राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मंत्री मेघवाल के निधन के बाद मंगलवार को राजकीय शोक घोषित किया गया। शोक के चलते बाड़मेर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधा झुकाया गया और सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहा। गौरतलब है कि मास्टर भंवरलाल 5 बार विधायक और 4 बार मंत्री रहे थे और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो करीब 6 माह अस्पताल में भर्ती थे। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से वेंटिलेटर पे थे। उनका निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल से ही वे मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनकी बेटी बनारसी देवी का भी निधन हो गया था। बनारसी देवी भी कांग्रेस नेता थी। भंवरलाल मेघवाल के निधन से राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मेघवाल के निधन पर शोक जताया है। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य भर की तरह बाड़मेर में भी मंगलवार को समस्त राजकीय कार्यालयों में अवकाश रहा। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहा। वहीं मंगलवार को राजकीय शोक के कारण जिले भर में कोई सरकारी आयोजन भी आयोजित नहीं किया गया। राजकीय शोक के कारण मंगलवार को पंचायती राज चुनाव को लेकर विधायकों और मंत्रियों ने भी अपनी चुनावी सभाएं और दौरे निरस्त कर दिए हैं। गौरतलब है कि भंवरलाल मेघवाल की पहचान दलित नेता के तौर पर थी। वे चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। मेघवाल राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे।